बेसन और सूजी का ढोकला तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसे ढोकले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आपने पहले कभी ना बनाया होगा और ना ही खाया होगा, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मक्के के आटे का ढोकला। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इंदु और मेरी भोजनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए ढोकला बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल ले लेते हैं और इस बॉल में हम डाल देते हैं 1.5 कप मक्के का आटा। इस आटे को मैंने छान करके लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप फ्रेश दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। नींबू और चीनी डालने से ढोकले का टेस्ट खट्टा मीठा आएगा और ये टेस्ट खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसका बैटर बनाएंगे। तो जो दही का बर्तन था मैंने उसी में ही 1 कप पानी लिया है। तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे और इसका बैटर बना करके तैयार करेंगे। इसका बैटर ना ही हमें ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स भी ना पड़े और बैटर हमारा पतला भी ना हो। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका इस तरह से बैटर बना करके तैयार करा है। तो इस बैटर को बनाने में मुझे 1 कप और 2 टेबल स्पून पानी लगा है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून तेल। तेल डालने से ढोकला काफ़ी सॉफ्ट बनता है। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए, इस बैटर में तेल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इस बैटर को 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर के रख देते हैं और तब तक के कर लेते हैं हम आगे की तैयारी। तो हम इस ढोकले को कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो एक कढ़ाई में हम 2 गिलास करीब पानी डाल देते हैं और इस पानी को हम अच्छे से उबलने देते हैं। तो पानी उबलता है तब तक के हम जिस बर्तन में ढोकला बनाने वाले हैं उस बर्तन को अच्छे से तेल लगा करके चिकना कर लेते हैं ताकि ढोकला इसमें चिपके नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह का केक टिन है तो मैं ढोकला इसी में बना रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का टिन नहीं है तो आप किसी भी स्टील के डब्बे में ढोकला बना सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, बैटर भी हमारा सेट हो गया है। तो अब हम इस बैटर में डाल देते हैं 1 पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट। अगर आपके पास इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप यहाँ पर 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं 1 चम्मच पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और अब हम इसे मिला लेते हैं। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं फेंटना है, केवल हमें इसे मिलाना है। और ये देखिए, बैटर यहाँ पर हमारा अच्छे से फुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमने ढोकले के लिए जो तेल लगा करके बर्तन तैयार किया है इस बर्तन में हम इस बैटर को डाल देते हैं और इसको हम हल्के हाथों से इस तरह से टैप कर देते हैं ताकि इसमें कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। और इतने देर में हमारे पानी में भी अच्छा सा उबाल आ गया है। तो हम इसमें इस तरह का जाली स्टैंड रख देते हैं और इसमें हम अपने ढोकले के बर्तन को रख देते हैं। अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं है तो आप किसी भी छोटी कटोरी या प्लेट को उल्टा करके इस ढोकले के बर्तन को रख सकते हैं। और अब हम ढोकले के बर्तन को ढक देते हैं और इसे 20 से 25 मिनट धीमी आँच पर पकने देते हैं। तो ढोकले को पकते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। तो ढोकले को मैंने यहाँ पर 25 मिनट बाद चेक किया था, ढोकला हमारा कच्चा था तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए और पकाया है। और ये देखिए, अब हमारी ये स्टिक बिल्कुल क्लीन आई है, ढोकला हमारा अच्छे से पक चुका है। तो ढोकला जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसे इस तरह से चाकू से इसके कॉर्नर्स को अलग कर देंगे। और अब हम इसे एक प्लेट पर पलट देते हैं। इसे हम हल्के हाथों से टैप करेंगे और ये देखिए, हमारा ढोकला कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो अब हम ढोकले को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसके ऊपर हम एक तड़का लगा देते हैं। तो कढ़ाई में हम 2 छोटे चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद में इसमें हम 1 चम्मच राई के दाने डाल देते हैं और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 8 से 10 लंबे पीसेस में कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही में डाल देते हैं 8 से 10 करी पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस समय हमें गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखना है क्योंकि जो हमने करी पत्ता डाला है वो तेल में जाने के बाद में उछलने लगता है। तो अब हमने इसमें हरी मिर्ची डाली है तो मिर्ची को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम 1 चम्मच पानी डाल देते हैं।
पानी हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, केवल इतना डालना है कि मिर्ची सॉफ्ट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि मिर्ची यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है, तड़का हमारा बन करके तैयार है। तो अब हम इस गर्मा गर्म तड़के को इस ढोकले के ऊपर डाल देते हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अगर आपको सूखा नारियल के बुरादे का टेस्ट पसंद है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा नारियल का बुरादा डाल सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म मक्के के आटे का ढोकला बनकर के तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बना है। तो यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरी भोजनशाला को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अगर आप मेरे वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो उस पेज को भी फॉलो करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई रेसिपी के